Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. साधारण सी भाषा में थोड़ी सी तुकबंदी तो की है उसने। सभा में आप सबका ध्यान कथावाचक पर होना चाहिए। इधर देखिए सब, अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। विप्र धेनु सुर संत हित हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया मूल गोपाल। कहाँ गए सबके सब? वो रहे गुरुजी। ये सब हो क्या रहेगा? वह मैं ज्ञान का भंडार, ज्ञान तत्व, प्रवचन देने के लिए तैयार बैठा और तुम लोग इस ढोंगी को सुनने आगे। आत्मा तर करनी है तो मेरे साथ आओ। घोर कलयुग है, अज्ञानता और मूर्खता की पराकाष्ठा, तभी आप सब लोग यहीं हैं। मूर्खता नहीं ज्ञानी जी, ध्यान से देखिए सभी के मन में और मुख पर प्रभु श्री राम की भक्ति छाई हुई है। हाँ स्वामी, ये उचित कह रहे हैं। ऐसा अनुपम भक्ति भाव है इनकी वाणी में, जो सुने निहाल हो जाए। आप भी सुनिए ना। स्वयं मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी यहाँ पहुंच गई, बड़ा शली है। भक्त जनों, आप सबकी दुविधा का समाधान तो अत्यंत सरल है। आप सबको अपना ध्यान प्रभु श्री राम कथा का वाचन करने वाले में अथवा प्रभु श्री राम के भजन गाने वाले में नहीं केंद्रित करना चाहिए, एकमात्र प्रभु श्री राम पर ही होना चाहिए। ऐसे में ध्यान भटकेगा ही नहीं। और हाँ, प्रभु श्री राम पर लिखे दोहों और चौपाइयों को सुनने के लिए आपको यहाँ आकर मुझे देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। व्यर्थ के शब्द सुनने के लिए नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। और जिन्हें अपना और अपने बालकों का सुनहरा भविष्य तय करना है वो मेरे साथ चलेंगे। तुलसीदास जी, महाशय ज्ञानदत्त का यह कैसा थोथा ज्ञान है कि प्रभु श्री राम का चरित्र सुनकर भी उनके मन में तनिक भी भक्ति भाव नहीं आया। प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात ना जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। स्वयं माता कौशल्या जिन्हें देखकर अपनी सुदबुद्ध खो बैठती है, सारा दिन उन्हीं के ध्यान में मगन रहती है, ऐसे प्रभु श्री राम के गुणगान से जो वंचित रह गया ये उसका दुर्भाग्य है। लौट कर यहीं आना पड़ा ना इन्हें। तुलसीदास जी ने किसी भी विकार को अपने निकट नहीं आने दिया, पूरी तन्मयता से अपने लेखन कार्य में जुटे रहे और कुछ ही माह में बाल कांड की रचना पूरी की। निज गिरा पावनी करण कार, राम जसु तुलसी कही, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कभी कौने कही। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कर मैं अपनी ही वाणी को पवित्र कर रहा, और वैसे भी आपकी कृपा के बिना सागर से भी विशाल आपके चरित्र का वर्णन कर पाना किसी भी कवि के लिए असंभव है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं प्रभु कि जो भी मनुष्य इसका पाठ करे
उस पर सदैव प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा बनी रहे। मैं अपनी इस रचना का प्रथम भाग आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। चलो सुनाओ, अब तो सुनाओ। तुलसीदास जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें प्रभु श्री राम कथा का कोई भाग सुना क्यों नहीं देते? सत्य का सामना कठिन होता है श्रीकांत, तुम भी ये सत्य जान लो। ये ढोंगी महाराज है, अन्यथा कुछ सुनाने के लिए होता तो मेरे इतना कहने पर कुछ तो सुना ही देते। तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम कथा इसलिए लिखी है ना कि सरल भाषा में प्रभु श्री राम कथा पढ़कर आम जन उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, तो फिर इतना संकोच क्यों? महान कार्य के लिए महान प्रतिभा की, महान प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो सब में नहीं होती, और तुम्हारे इस तुलसीदास में तो कदापि ही नहीं। क्या अंदर? मैंने तो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही समझने का प्रयास किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी प्रतिभा भी। उसके पश्चात सब कुछ अत्यंत सरल होता चला गया। मैं आपकी बात मान रहा हूं तुलसीदास जी, फिर आप एक प्रसंग, एक दोहा, एक चौपाई सुनाने से पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? अरे सुनाइए ना तुलसीदास जी। मैं पीछे नहीं हट रहा, अपितु आगे बढ़ रहा। मैं अपने द्वारा लिखित प्रभु श्री राम कथा आप सबको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु आप सबसे पूर्व ये राम कथा मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से ये महान कार्य संभव हो पाया। जगत पिता महादेव और माता पार्वती, वाह तुलसीदास जी, बचने का एक और नया बहाना ढूंढा इन्होंने। हे महादेव, हे मां भवानी अन्नपूर्णा, मैं अभी इसी समय काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर रहा और वहां पहुंचकर आप ही के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी प्रभु श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हे भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी, आप तो इस पूरे समय में मेरे साथ रहे, मेरी सहायता की। मैं प्रभु श्री राम कथा के प्रथम पाठ के लिए आपको भी सविनय आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। रुक जाइए तुलसीदास जी, यदि यह सत्य नहीं, यदि इसमें आपका कोई शल नहीं, यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें, ताकि हम सभी को भी पता चले कि तुलसी की राम कथा को लेकर उनके क्या विचार। जय
क्या हुआ तुलसीदास, किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया, वो बस आते ही होंगे। जहाँ प्रभु श्री राम का नाम वहाँ भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। महानुभव जो तुलसीदास का समर्थन कर रहे थे, वो कहां चले गए? बालकांड। किष्किंधा कांड। एक मैं मोहि मंदी बस कुटिल हृदय अज्ञान, उनी प्रभु मोहि बिसारे यू दीन बंधु भगवान। गुरुजी, कहाँ उलझा दिया आपने? कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पार्ट अब तक कुटती रहा। अंतिम बार जब मैं झरोके में से मंदिर के भीतर झांकने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। तो हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी। तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए। ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपने यहाँ समय व्यर्थ कर रहे, हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत अतुल्य है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, ये तो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम, सत्यम।
शिवम सुंदरम। जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अवसर पाते ही आघात भी करते हैं। कभी कभी वो किसी के अच्छे कार्य को भी बुरा प्रमाणित कर देते हैं। तुलसीदास जी से भी एक ऐसा ही कार्य होने वाला था जिसके कारण उनकी निंदा होने वाली थी, किंतु जिन पर प्रभु का वरद हस्त होता है उनकी बुराई में भी बड़ी अच्छाई छिपी होती है। गजानन, संत तुलसीदास जी ऐसा क्या करने जा रहे थे? परोपकार। श्रीराम श्रीराम, पाप हुआ है मुझसे, हत्या हुई है मेरे हाथों से। श्रीराम श्रीराम, दया कीजिए, मैं भूखा हूँ, कुछ दया कीजिए। हट, उरक, अपने पापी शरीर को लेकर कहीं और चला जा। इसी योग्य हूँ मैं। इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए मुझ पापी को। चलो रहने दो इसे, यहाँ बड़ा रहने दो, पापी है ये। हमें तो बस दूर रहना चाहिए इससे, पापी है ये, दुष्ट पापी। क्या हो रहा है यहाँ? हे संत महाराज, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। रुके तुलसीदास जी, दया भक्ति के ऊपर की जाती है जो पात्रता के योग्य होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। किंतु इस घोर पापी के ऊपर दया कैसी? पाप और पुण्य के मध्य भेद करना मेरा स्थान नहीं। मेरे समक्ष मेरे प्रभु ने एक तड़पते हुए प्राणी को भेजा है, वो प्राणी जिसका जीवन अशांत है, दुखों से त्रस्त है, कष्टमय है। अब ऐसे समय यदि इसके प्रति करुणा का भाव दिखा कर मैं इसके जीवन से कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा तो मैं स्वयं पाप का भागी बन जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? अरे एक पापी की सहायता कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहा? इतना बड़ा पाप क्या इसने? इससे तो दूर रहना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? हत्यारा है ये, हत्यारा पापी है ये। ओहो, जिस मौके की खोज में इतने दिनों से था वो आज मिल ही गया। अब तो हो गया ना, ये प्यासे थे तो आपने इन्हें जल भी पिला दिया, जितनी दया की इन्हें आवश्यकता थी उतनी आपने कर भी दी। अब आइए, आइए ना तुलसीदास जी, आइए चलिए। आपका कोटि धन्य, आपने मुझ पापी को दया का पात्र समझा जी। धन्यवाद। आइए, श्री राम कथा के लिए विलंब हो रहा है, अब आइए। कल्याण। चलिए। प्रभु भक्त, आप कोई धर्मात्मा लगते हैं। नहीं नहीं, रुकी नहीं, चलिए, अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है, आइए। हे प्रभु राम भक्त, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। संभव है आपकी सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सोचना भी उचित नहीं है, आप आइए मेरे साथ, चलिए। नहीं श्रीकांत, इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया है, क्या कहना चाहते?
अनजाने ही सही मुझसे घोर पाप हुआ जिसका प्रायश्चित मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। आपकी शरण में आऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझ पापी पर दया करें, मुझ पापी पर दया करें। नहीं तुलसीदास, नहीं दया नहीं, 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 मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूँ। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमा दान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी, और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले डोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासक, आप ही कहिए क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का फूला शाम को घर लौट आए तो उसे फूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पथ से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा द्वेष हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब? नहीं, मैं धर्म धर्म दया दया पुण्य पुण्य क्षमा क्षमा करुणा करुणा प्रभु की कृपा कृपा मानवता को बढ़ावा दे रहा हूं। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए, हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो, प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना, इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना, इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा। परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।